हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोडी स्पोर्ट्स का जो रिसेंटली इवेंट चल रहा है उसके रिलेटेड। दो दिन के जो है वो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस थे और आज से फाइनल के जो मैचेस है वो हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। सेमीफाइनल के दो ग्रुप बनाए गए थे, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। यार दोनों ग्रुप के मैचेस हुए, उसके बाद दोनों ग्रुप से 8 ईच टीम हमें फाइनल खेलती हुई आज दिखाई देंगी। ग्रुप ए में टीम डीआरएस ने टॉप किया है, जबकि ग्रुप बी में टीम रेज ने। ओवरऑल टॉप 8 टीम्स की जो स्टैंडिंग है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि आईएटी स्पोर्ट और सेवनी क्यों नहीं खेल रहे हैं, आईएटी स्पोर्ट और टीम सेवनी जो है वो डायरेक्ट फाइनल के लिए इनवाइटेड थी, तो वो आज हमें फाइनल के मैचेस खेलते हुए दिखाई देंगी। तो देखते हैं कि कौन सी टीम हमें कोडी स्पोर्ट्स का ये इवेंट विन करते हुए दिखाई देती है। अगर बात अगर कोडी स्पोर्ट्स के इवेंट के रिलेटेड चली रही है, रिसेंटली यस्टरडे के मैचेस में टीम रेज ने जो है वो 24 किल के साथ एक ओपी चिकन डन निकाला था, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जानबाज इन्होंने पिछले गेम में बिना बना चिकन डिनर भी नहीं, इनफैक्ट इन्होंने सेकंड मैच में बिना बना चिकन डिनर लिया था, तो इनके पास अच्छे खासे पॉइंट्स के एदाद हैं। इनको सिर्फ एक एवरेज मैच चाहिए टॉप 8 में खुद को रजिस्टर करने के लिए। बट टीम रेज, इन्होंने 8 किल जिस तरीके से एलिमिनेट किए हैं, 360 स्पोर्ट्स का सामना हुआ था इनके साथ और वो सामना हमारे देखने से पहले ही एलिमिनेशन के रास्ते पहुंच जाता है। प्लेयर्स का काउंटर काफी ज्यादा रहने वाला था, काफी ज्यादा टीम जो थी सरवाइव कर रही थी, और ये चीज होता है जब टीम ज्यादा सरवाइव करती है तो आपको ओपन में नहीं रहना क्योंकि थर्ड पार्टीज के इम्कान बढ़ जाते हैं, और वही चीज हम लोगों को देखने को मिली थी। लेकिन टीम T2K के प्लेयर्स मजीद जोन को कंटेस्ट करने की कोशिश करते, आगे होल्ड करने की कोशिश में गए थे, लेकिन वहीं पर टीम रेज के प्लेयर्स उनको स्पॉट करके बैठ जाते और वहां पे जो नॉक है वो निकाला जाता है, और अब टीम T2K अपने लास्ट सर्वाइवल में बचेगी। लेकिन टीम रेज के प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए वो फाइनल प्लेयर को भी एलिमिनेट करना चाहिए और फाइनल लॉफ निकल कर आता हुआ टीम रेज की तरफ से 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पे निकाले जाते हैं। और मैं यही बात कर रहा था कि पहले टीम रेज अपने 2 प्लेयर्स गवा देती थी, लेकिन अब उनसे डरना चाहिए आपको क्योंकि चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं और चारों प्लेयर्स के साथ ये टीम पूरी तरह से एक आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस निकालते हुए वो जो काउंटर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और 13 से अब 15 पर आ चुका है। बेशक और टीम रेज को अनलीश किया जा रहा है, अपने रेज को 15 के बाद ये 20 इतनी तेजी में पहुंचेगा, बड़े आसानी से पहुंचेगा क्योंकि टीम इंपैक्ट आउट इन दी ओपन आ रही है। 15 से 18 जम जाता हुआ रेज के जिबियान शामी डॉलिन किन किन का मैं नाम लू, 6-6-5 किल पे ये प्लेयर मौजूद है। सिर्फ फिनिशर थोड़ा आता लेकिन वो हार मान लेते हैं नाजरीन है। लेकिन रेज की अगर बात की जाए तो तारीफ बयान नहीं कर सकती है। लेकिन जबियान वो पहले अपना 7वां किल कंफर्म करते हुए और शांति को फाइनली एलिमिनेट कर जाते हैं। टॉप 3 स्कोर्स में टीम रेज, टीम रेड डेड और टीम 24 के अकलौता सर्वाइविंग प्लेयर जो कि सब चीज से जूझ रहे जोन से। जिस तरीके से आग बगोल रही है, हर एक प्लेयर को मारा नहीं बल्कि खाया जा रहा है हाथ खेल सकें, और टीम रेज आगे बढ़ते बढ़ते अपने लिए इतने ज्यादा किल लेके जा चुके हैं कि मैं गिनती भी भूल गया हूँ कि कौन 6 पे है कौन 7 पे है। बट टीम रेड डेड कुछ करो यार, कुछ करो टीम रेड डेड, यहाँ से कुछ जवाबी कार्रवाई बनती है। एल्टुक्वाय और क्राई बेबी मौजूद रहने वाले हैं। एल्टुक्वाय पे थोड़ा बहुत और डैमेज जाता हुआ ड्रॉलिन चौड़ने की कोशिश, लेकिन क्राई बेबी डैमेज लेते हैं लेकिन ड्रॉलिन को नॉक डाउन किया जाता है। जवाबी कार्रवाई में एल्टुक्वाय को यहाँ पे ट्रेड नॉक में लिया जाएगा। क्राई बेबी के लिए 1v3 पुश ये सिचुएशन रहेगी जरूर। जिबियान को भी नॉक डाउन करके चले जाते हैं, पोटेंशियल क्लच यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन प्लेयर आगे बढ़ेंगे और फिनिशर और शामिर मिलके टीम रेड डेट के आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करके चले जाते हैं। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े जाए टीम R3G के खान के रिलेटेड बात कर लेते हैं। रिसेंटली खान ने भी 1v3 क्लच पुल ऑफ किया था टीम 141 के ऊपर, इसके रिलेटेड उन्होंने भी एक वीडियो शेयर की थी जो कि आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं। खान की हेल्प करो ना जाके, लास्ट बंदा नाइस नाइस। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े थे, और जैसा कि आप लोगों को बताया कि आईएटी स्पोर्ट्स के ब्लेड ने रिसेंटली टीम आईएट लेफ्ट कर दी है, उसके रिलेटेड बहुत से लोग जो है वो उनसे सवाल वगैरह कर रहे थे कि वो नई टीम कौन सी ज्वाइन करेंगे, और यार IQ जो है वो ब्लेड से रिसेंट लाइव स्ट्रीम में सवाल वगैरह भी कर रहे होते हैं, इसके ऊपर ब्लेड का जो है वो कुछ ये रिस्पॉन्स निकल के सामने आता है। ब्लेड कौन सी टीम ज्वाइन कर रहे यार, ये तो ब्लेड को ही पता होगा, बताया बताओ ब्लेड भाई, कोई हिंट हो, ये लोग बोल रहे हैं तो कह रहे भाई को पता यार
वैसे लोग मैसेज कर भी रहे हैं, मेरी बात ही करनी रेंज में जा रहा है ब्लेड। हाँ हो सकता है क्योंकि खेल तो रहा होता हूँ, रेंज में जा रहा है, यूरोपियन टीम में जा रहा है, मीना टीम में जा रहा है, जब जाऊंगा टीम में जा रहा है। ब्लेड तो सही, किस अब बात सुनना, एक बंदे लिखा है ब्लेड द कुत्ता स्टार एक्स ब्लेड बिगेस्ट लीक ऑफ द ईयर। ओए ओए अबे शेड भाई, तुझे कहां से पता चल गया? ये आवाम बता रही है ना, मुझे कैसे पता चलेगा भाई? लीक कर दिया भाई, क्या कर रहे हो यार? जिस बंदे ने लिखा है मैंने तुम्हें डीम में बताया, अब तुम यहां पर लीक कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तीन चार बंदे लिखने लगते, तूने सबको बता दिया, सिर्फ हमें नहीं बता रहा। नहीं जानी, मैंने एक को बताया, मुझे लग रहा है इसने जाके सबको बता दिया, शर्म नहीं है यार। ब्लेड रे ज्वाइन कर रहा है क्योंकि वो भी टूर्नामेंट भी उनके साथ खेल रहा था। अच्छा कौन सा टूर्नामेंट पता नहीं, चैट में लोग देख रहे हैं, बस देख रहे हैं ना, इसने एक बंदे को बताया टीम का लेकिन हमें नहीं बता रहा क्या। अबे तो मैंने सीक्रेट रखा था, उस बंदे ने बहुत मिन्नत की थी कि बता दो, मैंने कहा ये लो यार बस स्टार एक्स है। आप भी मिन्नत करें। हां ना यार ये इज्जत रहेगी हमारी, माना तो बड़ा प्लेयर बन गया लेकिन जानी देख लो। तो आपको क्या लगता है कि ब्लेड जो है वो कौन सी टीम ज्वाइन करेंगे? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार पीएमसी और साउथ एशिया की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि पॉसिबली दिसंबर 6 तक चलेंगी। तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन की, अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो जल्दी से लाजमी रजिस्टर कर लें। अगर अंडरडॉग टीम के लिए एक मैसेज है, जो भी अंडरडॉग टीम ये जो है वो मैचेस वगैरह खेलना चाह रही है, कोशिश करेंगे जितना हो सके फेयर से फेयर खेलें, ताकि एक फेयर माहौल जो है वो हमें देखने को मिले, ताकि जैसा पास में होता आया हुआ ऐसा हो, फिर पीएमसी और इवेंट और हैकिंग ना हो ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन होपफुली इस दफा कुछ सीन्स बेहतर होंगे। और यार अगर आप लोग चाहते हैं कि पीएमसीओ की रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल बनाऊं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो तीन वुल्फ के रिलेटेड है। अगर आप लोग तीन वुल्फ को इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली तीन वुल्फ की आईज का ऑपरेशन हुआ था, इसके रिलेटेड बहुत से लोग जो है वो रिसेंटली उनसे सवाल कर रहे थे कि आपका ऑपरेशन जो है वो कैसा रहा, अब जो है वो स्ट्रीम वगैरह आप कब करेंगे, उसका तीन वुल्फ जो है वो कुछ ये रिप्लाई देते हैं। अच्छा यार अपडेट ये है कि कल ही लेजर ऑपरेशन हो गया था, तो फिर वो स्टोरी वगैरह अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल नहीं देख सकता था, तो आज फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से हो गए, और इंशाल्लाह जल्दी कोई तकरीबन एक हफ्ते बाद, क्योंकि एक आध वीक से ही रेस्ट देना है आँखों को, वैसे तो दो तीन दिन का होता है लेकिन प्रॉपर हीलिंग के लिए ज़्यादा टाइम इसीलिए कर रहा हूँ, एक वीक बाद इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम करेंगे। होपफुली तीन वुल्फ जो है वो जल्दी हमें लाइव स्ट्रीम करते हुए दिखाई देंगे। अगर तीन वुल्फ के अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार पीएमजीसी के फाइनल्स के रिलेटेड जो टीम्स हैं वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यार पीएमजीसी के जो फाइनल्स हैं वो दिसंबर आज से स्टार्ट हो रहे हैं, देखते हैं कौन सी टीम हमें फाइनल विन करते हुए दिखाई देती है। अगर आपको क्या लगता है कि टॉप 3 टीम जो है वो पीएमजीसी फाइनल की कौन होंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर अभी के लिए मेरे पास आप सबके सिर्फ इतनी न्यूज़ ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।